নাই জোর ঝরঝর অফ অন অফ অন কর বড়টা জোর জোর পড়া দরকার আসলা বর্ডর আসলা So now let us start. So we will start with leaf today, and we will study about it. Nahi chalta out ke deta. Fine. Chaliye. So now we will go about our leaf part. So leaf mein hamara kya hai? So leaf basically kya hai? It is a part of the what? Aapka we can say that this is a part of the stem. तो वो स्टेम से निकला हुआ पार्ट है एंड इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द स्टेम तो इसलिए इट इज इसको हम लोग फॉलिएज भी कहते हैं ओके सो ये आपका जो इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द स्टेम एंड उसीलिए उसका नाम क्या रखा गया है उसका नाम रखा गया है व्हाट बताइए तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए लीफ उसको हम लोग फाइलोपोडियम कहते हैं Okay, the name of leaf is called phyllopodium. Leaf or phyllopodium. ठीक है? So phyllum भी बोलते हैं ना? हाँ. Phyllum. Phyllum कह सकते हो? I don't know. सर आपको क्या बताए हैं? आपका जो सीपी सर भी तो पढ़ा रहे हैं ना ये? उनका कितना दूर चला गया? रूट तक पढ़ा है नहीं मैंने मेरे से आगे ना मेरे से पीछे है वो रूट नहीं सर आपसे पीछे सर अरे वाह तो मैं ज्यादा पढ़ा रहा हूँ चलो चलिए ओके सो मैंने वो ज्यादा ज्यादा पढ़ा रहे हैं क्या मेरे से ना सर वो एक पेज वाला सिस्टम सर क्या एक पेज वाला सिस्टम सर वो जो एक पेज में जितना लिख के उतना ही पढ़ा तो फिर उनका ज्यादा मेरे से टाइम क्यों लग रहा है उनका तो कम टाइम लगना चाहिए चलिए ठीक है सो लेट हिम डू व्हाट ही वांट्स सर कम टाइम का क्लास से बच्चे आते नहीं है तो इससे प्रॉब्लम सर वो सिर्फ एनसीईआरटी ब्रेकडाउन करते रहते हैं ओके हाँ हाँ बच्चे आते नहीं है मैंने क्या वो लेट ज्वाइन करते हैं वो तो मेरे क्लास में भी ज्वाइन करते हैं नहीं सर मैक्सिमम पॉपुलेशन सिर्फ आपके क्लास में ही होता है और सिद्धार्थ सर के क्लास में बाकी सब क्लास में 25 से ज्यादा नहीं जाता है ओके ओके चलिए ओके तो चलिए सो नाउ लेट अस गो अहेड तो लीव्स आर क्या लैटरल तो लीव्स आर लैटरल फ्लैट ग्रीन एंड एक्सपेंडेड पार्ट्स ऑफ प्लांट व्हिच अराइज फ्रॉम नोड्स ऑन द स्टेम और ब्रांचेस तो ये आपका याद रखना पड़ेगा तो ये नोड से ओरिजिनेट करते हैं यूजुअली लीफ हैज ए बड इन इट्स एक्सिल ओके तो जो एक्सिल है उसमें आपका बड होगा ओके तो द चीफ फंक्शन ऑफ लीफ इज फोटोसिंथेसिस वो तो हम जानते ही है ओके एंड ट्रांसपिरेशन तो ट्रांसपिरेशन कोई फंक्शन नहीं है वो एक्चुअली हो जाता है तो फोटोसिंथेसिस या हम लोग उसको लिख सकते हैं फूड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन ओके ऑफ द प्लांट ओके एक्चुअली जो मेरे पास जो होमवर्क के लिए F1 के कम बच्चों का रिक्वेस्ट आया है ज्यादा बच्चे प्राइम वाले आए हैं समझे कि नहीं तो आप प्राइम वालों को मैंने मना कर दिया तो उनको मैं नहीं करा सकता तो बट F1 वाले आने से तो हम कर सकते हैं ना बट F1 वाले कम अप्रोच किए हैं तो लाइक दैट वो तो तेजस आया है बस F1 से ओनली तेजस हैज कम चलिए सो लाइक दैट तो लीव्स आर अटैच्ड टू स्टेम बाय लीफ बेस ओके तो इसलिए लीफ का जो बेस है उसको हम लोग लीफ बेस बोलेंगे
ओके इन सम प्लांट्स, मैं आपको दिखाऊंगा डायग्राम, पहले लिख लिया जाए थोड़ा सा. इन सम प्लांट्स लीफ बेस बिकम स्वोलन एंड इज कॉल्ड पल्विनस. इसको पूरा कैप्स कर देते हैं, पल्विनस. ओके विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्लीप मूवमेंट. ओके तो स्लीप मूवमेंट का मतलब क्या है बताइए. स्लीप मूवमेंट का मतलब क्या है, वो जो झूल नहीं जाता है. ओके जैसे आप देखोगे कि इन केस ऑफ जब हवा हो रहा है तो ऐसा लगेगा जैसे पत्ता नीचे झुक गया हो, तो दैट इज कॉल्ड स्लीप मूवमेंट. तो एग्जांपल है कैसिया मिमोजा एंड बीन्स. ओके कैसिया मिमोजा एंड बीन्स. इन सम मोनोकॉट्स लीफ बेस एक्सपैंड इनटू अ शीथ. ओके एग्जांपल ग्रासेस एंड बनाना. ओके उसमें आपका शीथ, तो ये जो शीत है याद है यही जो आपको बनाना का पेड़ दिखता है. अंडरस्टूड. लीफ शीत आ गया इनटू अ शीत. यस सर. तो जो आप देखोगे अगर एक बनाना का एक पत्ता को खींचोगे ना वो पूरा नीचे स्टेम तक आएगा. ओके तो लाइक दैट हम लोग सिर्फ काट देते हैं करके ऊपर रहता है, बट इफ यू पुल वन बनाना लीफ आप देखोगे पूरा वो नीचे तक आएगा. So that is called the leaf sheath. Okay. Now, a tongue-like structure is also present between leaf base and axis in grasses, which is called ligule. Okay. तो ये सब चीज मैं आपको दिखाने का कोशिश करूंगा, अभी तो मैं बनाया नहीं हूं वाला. Now, when the leaf base partially encloses the stem, it is called क्या? सेमी एम्प्लेक्सिकॉर. फाइन वो आपका थोड़ा सा उसको ढक देगा. ओके दैट इज कॉल्ड सेमी एम्प्लेक्सिकॉल. कॉल का मतलब क्या है, कॉलस से स्टेम आता है. ओके कॉलस इज अ टर्म फॉर स्टेम, तो उसको हम लोग सेमी एम्प्लेक्सिकॉल बोलते हैं. एग्जाम्पल है प्रिकली पॉपी कैलोट्रोपिस. If it completely encloses the stem, it is called amplexicaul. So, yes, आपका आ जाएगा समकस पॉलीगोन. ठीक है तो ये आपका चीजें हैं, तो इसको भी आप देख सकते हो. अगर आप देखोगे बुक्स में तो ये आपको मिल जाएगा. ठीक है तो इन केस ऑफ लीफ यू विल फाइंड दिस डिफरेंट वेराइटीज. ओके नाउ अब मैं भी फोटो दिखाने का कोशिश करूंगा आपको, बट इट विल टेक सम मे बी नेक्स्ट क्लास. और अगर मैंने बना लिया तो शायद मैं आपको भेज भी दूं, तो आप देख लेना. मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का तो भेज ही दूंगा फोटोग्राफ्स. ठीक है सो ये आपका जो बेसिक कंसेप्ट है अबाउट द लीफ बेस. नाउ उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे पेटियोल. जो सेकेंड पार्ट है आपका उसको हम कहेंगे पेटियोल. असला वेटवाणी सो द सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड पेटियोल या मेसोपोडियम. हाइपोपोडियम मतलब नीचे, उसके बाद मेसोपोडियम. ओके तो पेटियोल इसको भी कैप्स कर देने से होगा. ओके या मेसोपोडियम. नाउ द स्टॉक ऑफ लीफ इज कॉल्ड पेटियोल. तो जो डंडा है आपका तो उसको हम लोग पेटियोल बोलते हैं. इन आइकॉर्निया इट बिकम स्पॉन्जी एंड बल्बस. तो ये क्यों स्पॉन्जी एंड बल्बस हुआ बोलिए बोलिए. ये आपका हाइड्रोफाइटिक एडेप्टेशन है कि नहीं. एडेप्टेशन किस लिए बोलो, फॉर फ्लोटिंग. उसमें कौन सा ये होगा बोलो, विच टिश्यू होगा. इसे तो आप पढ़े हो लोअर क्लासेस में भी. तो आपका आइकॉर्निया में कौन सा टिश्यू होता है उसका जो ये में स्वोलन पेटियोल. एरेनकाइमा AREN. वेरी गुड. तो पेटियोल इन आइकॉर्निया बिकम्स स्पॉन्जी एंड बल्बस है कि नहीं. तो ये हाइड्रोफाइटिक एडेप्टेशन है फॉर फ्लोटिंग.
A rich in parenchyma. Very good. Now, in orange, या साइट्रस हम लोग कहेंगे, पेट्यूल बिकम्स विंग्ड. ओके, उसमें एक विंग जैसा होगा. ओके, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा. ये मिल जाता है. पेट्यूल इज मॉडिफाइड टू टेंड्रिल्स इन नेपेंथिस. ये तो हमने अभी ही पढ़ा था. तो टेंड्रिल्स में पेट्यूल आपका जो है क्या, वो क्या नेपेंथिस पे वो टेंड्रिल जैसा बिहेव करेगा. In Australian acacia, petiole is modified into a leaf-like flat structure called phyllode. ये भी important है. अगर आपका petiole leaf-like बन जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं phyllode. तो we will try to see all these things. पहले एक बार उसका काम खत्म कर लिया जाए. लिखने का पार्ट खत्म कर देंगे, फिर देखने का पार्ट करेंगे. Okay? So now, अब हमारा नेक्स्ट आ जाएगा उसका लैमिना जिसको आप देखते हो. फाइन, सो नाउ एपिपोडियम. हाँ, सो दैट इज कॉल्ड एपिपोडियम. सो लैमिना जो है, तो ये तेरे को कैसे पता चला, तू पढ़ लिया क्या ये? सर हाइपो फिर मेसो फिर एपी आ जाना चाहिए. बस वेरी गुड, चलो दैट इज आल्सो गुड. दैट इज कॉल्ड यूजिंग योर ब्रेन्स. चलिए, तो लैमिना या एपिपोडियम. नाउ The broad green flat part of the leaf is called lamina, या leaf blade, या epipodium. तो ये अलग अलग तरीके के होंगे, इसके बारे में थोड़ा लिखा जाए, फिर आगे चलेंगे. ठीक है? So now, ये जो epipodium है आपका, ये आपका अलग अलग तरीके का हो सकता है, and accordingly, उसका नाम रखा जाता है. So all leaves of plant are collectively called as phyllome. ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. लीव्स आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स. फर्स्ट है कॉटिलेडोनरी लीफ. तो ये आपका कॉटिलेडॉन्स में मिलता है कि नहीं? तो एम्ब्रियोनिक और सीड लीव्स डिस्टिंक्ट इन प्लांट्स हैविंग एपिजियल जर्मिनेशन. एपिजियल मतलब जो ऊपर आएगा, जिसको आप देख सकते हो, है कि नहीं? तो उसको हम लोग कॉटिलेडोनरी लीव्स बोलेंगे. फॉलिएज लीफ जो आपका पत्ता है, जिसको एक्चुअली लीफ बोला जाता है, ये एक्चुअल लीफ है. फॉलिएज लीफ जो कॉमन ग्रीन फोटोसिंथेटिक लीव्स. उसके बाद स्केल लीव्स, ये आपका किस में मिलेगा बोलिए जल्दी जल्दी. आपको ये ब्रेन काम करना चाहिए. ये कहाँ मिलेगा स्केल लीव्स? हाँ बोलो बोलो. जीरो नहीं 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 अरे ओनियन. नो 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 जिंजर में, पोटैटो में, ओनियन भी हो सकता है. आप ओनियन में हो सकता है वो जो आपका जो बाहर वाला लीफ होगा. ओके, तो उसको आई डोंट नो, वी हैव टू क्रॉस चेक दैट. बट तो इसलिए ये स्केल लीव्स का, तो स्केल लीव्स का बेस्ट एग्जांपल है जिंजर, ओनियन, जिंजर, पोटैटो, ओके, टर्मरिक. ब्रैक लीव्स, दे बियर फ्लावर्स इन देयर एक्सिल. ये कहाँ मिलेगा बोलो? यस, वेरी गुड, बुगनविले. तो इसीलिए तो हम लोग उसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं अपने आप. ओके, उसके बाद आ जाएगा फर्टाइल लीव्स, इसको स्पोरोफिल्स बोलते हैं. ये आपका जो लोअर प्लांट्स में ज्यादा होता है, उसमें स्पोरेंजिया आता है आपका. ओके, जैसे जिम्नोस्पर्म्स, तो जिम्नोस्पर्म्स में आपको स्पोरोफिल्स मिलेगा. फर्स्ट लीव, इसको कहते हैं फर्स्ट फ्यू लीव्स डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट. ये एग्जांपल है साइट्रस. ठीक है, तो ये आपके अलग अलग तरीके के लीव्स हैं. ओके, नाउ उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे. तो आप थोड़ा फोटो देख लेते हैं, थोड़ा ब्रेक लेते हैं. तो हम लोग थोड़ा पढ़ लेंगे, थोड़ा फोटो देख लेंगे, तो वो अच्छा भी लगेगा. नाउ लेट अस सी, सपोज ये लीव का फोटोग्राफ देखते हैं. ओके, थोड़ा इसको बड़ा किया जाए. ना देख रहे हो, वेरी सिंपल कंसेप्ट है. ये आपका स्टेम है, ये आपका लीफ है. ये देख रहे हो, ये क्या है बोलो? बर्ड. तो हमने क्या लिखा था बर्ड? फर्स्ट लाइन ऑफ द डेफिनेशन अगर आप ध्यान दो, तो लेट अस सी द फर्स्ट लाइन ऑफ द डेफिनेशन. हमने क्या लिखा था? दैट द usually leaf has a bud in its axil.
ठीक है, तो ये पॉइंट मैंने आपको समझा दिया, दिखा दिया कि नहीं? अरे हाँ हाँ ना तो बोल दो सर। ये सर एक ही होगा या फिर मल्टीपल हो सकता है? जनरली तो एक ही होगा, मल्टीपल कैसे होगा? फाइन, चलिए। सो यूजुअली लीफ हैज ए बड इन इट्स एक्सिल, तो ये पॉइंट मैंने आपको दिखा दिया। नोड अराइज फ्रॉम नोड्स, ये भी मैंने आपको दिखा दिया। ओके, तो जो जो चीज दिखा दिया मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए, सो नाउ लेट्स गो। तो ये देख रहे हो, ये गांठ जैसा बना हुआ है। सो व्हाट इज दिस? ये तो बड़ा दुखी करता है। ये देख रहे हो, ये गांठ जैसा नहीं बना हुआ है। सो दिस इज कॉल्ड अ नोड। तो नोड में आपका लीफ आ गया। ओके, तो ये है पेटियोल एंड ये है बट। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं। क्या बोल रहे हो? तो आपका जैसे हर चीज मिल जाएगा। तो दिस इज योर नोड एंड दिस इज योर बुड एंड दिस इज द स्टेम। ओके, तो इस तरह से हम लोग लिख लेंगे सारा कुछ। ये लीफ ब्लेड है। वैसे एक्सिलरी पार्ट बोल सकते हैं ना? हाँ, एक्सिल में है तो एक्सिलरी पार्ट ही बोलेंगे। देखे नहीं? चलिए, तो ये आपका हो गया बुड। छोटा क्यों हो रहा है? सो ये है बड। सो दिस इज योर क्या? दिस इज योर नोड। ओके, इसको हम लोग एक्सिलरी बुड भी बोल सकते हैं। बुड एट एक्सिल या एक्सिलरी बुड। एंड ये है आपका स्टेम। सो दिस इज कॉल्ड योर इंटरनोड। हाँ नहीं, इंटरनोड तो ऑब्वियसली है, बट व्हाई आई विल नॉट कॉल इट इंटरनोड टेल मी। और एक पत्ता नहीं दिखाया और एक नोड नहीं दिख रहा है। वेरी गुड, समझ आया आद्या देवी? हाँ। तो इसलिए जब तक आपको दूसरा नोड नहीं दिखेगा आप इंटरनोड कैसे बोलोगे? सो इसलिए, बट यू आर नॉट रॉन्ग, मैं बता रहा हूँ कि इसलिए हम लोग थोड़ा क्लियर हो जाए। सो ये आपका है, दिस इज द लीफ ब्लेड एंड ये जो लाइन है इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो दिस इज कॉल्ड द लीफ लैमिना। लैमिना, लैमिना। ओके, एंड सारे सारे जो भी चीज जानना है जान लो। तो ये जो है, ये सारे जो है, ये आपका क्या हो गया? ये सारे जो है इसको कलेक्ट, ये पूरा जो लाइन है एक्चुअली, नहीं, दैट इज कॉल्ड लीफ लैमिना। लैमिना, ओके। एंड ये जो सब क्या है? दीज आर व्हाट? सो दिस इज द मिडरिब। ठीक है नहीं? सो दिस इज कॉल्ड योर मिडरिब। फाइन, एंड ये आप देख रहे हो अंदर बहुत सारा जो जाल जैसा है। तो दिस इज कॉल्ड, तो दिस इज ये जो जाल जैसा बुना हुआ है। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड जालिका पर्ण। जालिका पर्ण, ओके। सो ये संस्कृत टर्म है, ट्रांसलेशन। यस, ट्रांसलेशन फॉर रेटिक्यूलेट वेनेशन। समझ आया? तो जालिका पर्ण इज अवर संस्कृत वर्ड। फाइन, संस्कृत वर्ड फॉर रेटिकुलेट वेनेशन। तो अब हम लोग ये क्या पढ़ रहे हैं? इसको हम लोग पढ़ रहे हैं पत्र। अगेन दिस इज संस्कृत टर्म फॉर लीफ, है कि नहीं? एंड इसको हम लोग क्या कहते हैं? कांड। हाँ नहीं, तुम आप कंड बोल सकते हो। पंजाबी में हम लोग ओनियन को क्या बोलते हैं? कांदा। तो इसी से उसका नाम पड़ा है, कांदा। ओके, जो कांदा गंडे ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, तो लाइक दैट। ओके, तो ये आपका स्टेम है। ओके, अब ज्यादा नहीं पूछ लेना, उतना मुझे नहीं आता है। तो चलो, बहुत चीज मैंने बता दिया आपको। फाइन, सो ये आपका जो एक लीफ हो गया। सर एक डाउट था सर। बताइए सर, जब प्लांट सर ओरिजिनेट होते हैं नीचे ग्राउंड से, सर ग्राउंड से लेके फर्स्ट लीफ तक के पार्ट को क्या कहते हैं? वही तो, दैट इज द प्रिम्यूल, जो आपका दैट इज द एम्ब्रियोनिक स्टेम। ओके, उसके अलग अलग नाम आएंगे, देखोगे, समझ रहे हो? आप बहुत चीज जनरलाइज नहीं कर सकते। अगर वो मोनोकॉट है तो वो पॉलियोक्टाइल होगा। ओके, तो इसलिए जनरलाइज करना इतना आसान नहीं है। अगर वो कॉटिलेडन के नीचे है उसको हाइपोकोटाइल बोलेंगे, अगर कॉटिलेडॉन के ऊपर है उसको एपिकोटाइल बोलेंगे। तो बहुत चीजें है रे बाबा इसमें। ओके,
तो इसीलिए दैट इज द प्रॉब्लम दैट वी हैव टू बी, मतलब एक ही चीज का बहुत सारा सिनोनिम पाएंगे राइट, तो इस देन दैट इज व्हाई वी मे हैव मेनी वर्ड्स। अगर वो अगर शूट जैसा दिख रहा है आप उसको प्लूम्यूल बोल सकते हो, ठीक है, नहीं माने उसमें आपका स्टेम होना चाहिए, बेबी लीफ होना चाहिए, जूस होना चाहिए, है ना। चलिए सो ये सब आपका कंसेप्ट है अबाउट। चलिए तो आगे चलते हैं। सो अब हम लोग फिर एक और लीफ देखेंगे, तो थोड़ा लैमिना देखते हैं ये वाला, फाइन। सो ये आपका एक अलग तरह का लैमिना देख रहे हो, तो ये दोनों ही ये सिंपल लीव्स हैं। हाँ, तो दोनों ही सिंपल लीव्स हैं, मतलब ये आपका कंपाउंड लीफ नहीं है, ये दोनों ही सिंपल लीव्स है ना, क्या बोल रहे हो बताइए। यस सर। तो देयर मिडरिब ज्यादा, हाँ नहीं उसका जो मिडरिब नहीं ज्यादा नहीं है, मिडरिब हर समय एक ही होगा, बट वो बाइफरकेट कर गया, आप कह सकते हो कि मिडरिब हैज बाइफरकेटेड या ट्राइफरकेटेड या पॉलीफरकेटेड, है कि नहीं। तो ये दोनों एग्जाम्पल हैं सिंपल लीव्स, ओके, ये दोनों ही सिंपल लीव्स हैं। तो ये आपका है पेटियोल, ये मिडरिब, ये मार्जिन। तो आप जिसमें मार्जिन पूरा फैल जाए एंड लीफलेट जैसा बन जाए तो वो आपका एक ब्रांच है, इसका भी अलग नाम होगा, पामेट होगा, पिनेट होगा, इस तरह से तो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सो ये आपका है सिंपल लीव्स। नाउ ये आपके जो है ये जो मिडरिब है ये एक्चुअली ब्रांच आउट कर गया है एंड ईच इज प्रोड्यूसिंग ए लीफलेट, ठीक है। चलिए तो इसको हम पढ़ेंगे जब, इसके बारे में उसका डेफिनेशन भी हम लोग को पता चल जाएगा। चलिए तो ये हमारा था, तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया, इसमें लीफ बेस बता दिया, ओके, उसके बाद पेटियोल भी दिखा दिया, ये टाइप्स ऑफ पेटियोल मैं धीरे धीरे दिखाऊंगा, ओके, ये लीफ शीट भी शायद ये दिखा दूंगा मैं, ये तो आप जानते हो, चलो तो इसको दिखाने का कोई जरूरत नहीं है, ये आप तो घर में भी देख सकते हो। लैमिना दिखा दिया, ओके, लैमिना या लीफ प्लेट। चलिए सो ये आपका स्ट्रक्चर है, नेक्स्ट ये क्या चला गया, ये रहा। तो ये आपके अलग अलग तरीके के लीव्स हैं, इसका भी फोटो है वो मैं दिखाऊंगा। सी मेन प्रॉब्लम क्या है, ये सब अभी मैंने असेंबल्ड फॉर्म में नहीं है तो आपको टाइम लगेगा। आई मे सी अगर ओल्ड एनसीईआरटी में है तो शायद दिखा दूं, तो अगर उसमें होगा तो उसमें आपको दिखाया जा सकता है, वो थोड़ा इमैच्योर व्यू दिखेगा और क्या। उसमें नहीं है, वो सीधा लैमिना से ही शुरू किया है, वो मैं एक्चुअली वो बाद में आएंगे वो सब पॉइंट्स, ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अब हम लोग चले जाएंगे, वी विल राइट समथिंग अबाउट द नेक्स्ट। सो उसमें एक नोट लिखा जाए हम लोग का, दैट जो अरेंजमेंट ऑफ लीव्स इन बड उसको हम लोग कहते हैं प्री फोलिएशन, समझ रहे हो, माने लीफ बनने के पहले वो कैसे थे, सो दैट इज कॉल्ड प्री फोलिएशन। ये थोड़ा रेड पॉइंट हम लोग बना लेंगे। सो अरेंजमेंट ऑफ लीफ इन बड कंडीशन उसको हम लोग कहते हैं प्री फोलिएशन। उसका नंबर वन है टाइक्सिस, अ मैनर इन विच ईच इंडिविजुअल लीफ इज फोल्डेड और रोल्ड इन बड कंडीशन। एंड नंबर टू इज वर्निशन, arrangement of leaf with respect to each other in bud condition, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्निशन, ठीक है। उसी तरह से लीफ इंसर्शन, कहां लीफ आएगा, तो रेडिकल, रेडिकल कब बोलेंगे, लीव्स बॉर्न ऑन रिड्यूस्ड स्टेम अपीयर टू अराइज डायरेक्टली फ्रॉम रूट्स, ये आपका रेडिशन टर्निप है कि नहीं। तो रेडिशन टर्निप में ऐसा क्या लगता है, जैसे कि कोई उसमें स्टेम नहीं है,
बट एक्चुअली हमने पढ़ा था कि उसका स्टेम डिस्क लाइक होता है, ठीक है. सो इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा. ओके, सो ये रेडिकल है तो लीव्स आर बॉर्न ऑन रिड्यूस्ड स्टेम, अपीयर एज इफ दे डायरेक्टली अराइज फ्रॉम रूट्स. उसके बाद कॉलाइन, तो कॉलाइन किसको कहते हैं? सो दे आर फाउंड डायरेक्टली ऑन द नोड्स ऑफ मेन स्टेम. तो ये आपको नोड्स में मिलेंगे. एग्जाम्पल है मेज ले लो, हॉलीहॉक ले लो ना. उसके बाद है रेमल, RAML. तो लीव्स प्रेजेंट ऑन द नोड्स ऑफ द स्टेम ब्रांचेस. ओके, तो इसलिए स्टेम के ब्रांचेस में जो लीव्स होंगे उसको हम लोग कहेंगे रेमल, ठीक है. तो ये सब का फोटोग्राफ्स दिखाने का आपको कल अगले बार कोशिश किया जाएगा. बिकॉज एक्चुअली क्या है ना, पहले जमाने में गूगल में मिल जाता था अच्छे से, बट आजकल क्या है ना, वो कुछ मर्जी डाल देते हैं तो फिर उसको क्रॉस चेक भी करना पड़ता है कि वो सही चीज फोटोग्राफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है कि नहीं. चलिए, तो ये फॉलेज है, ये ब्रैकलिफ है एंड ये फर्स्ट लीफ है. इसका टेस्ट बहुत खतरनाक होगा, इसलिए पढ़ते रहना. मैंने आपको बोला है कि स्टेम या रूट का कभी भी टेस्ट हो सकता है, इसलिए उसके लिए रेडी रहेंगे. अंडरस्टूड? चलिए, सो टाइक्सिस. टाइक्सिस क्या है? इन विच इंडिविजुअल लीफ इज फोल्डेड और रोल्ड इन बर्ड कंडीशन. एंड नंबर टू है वर्निशन, वो आपका लीव्स, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर इन बर्ड कंडीशन. चलिए, तो ये हमारा आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ये दो स्पेशल पॉइंट्स हो गया हमारा, ठीक है. अब हम लोग आ जाएंगे टाइप्स ऑफ लीफ में, माने किस किस तरह का लीफ आप देखेंगे नेचर. ओके, एंड उसके फोटोग्राफ्स भी देखेंगे हम लोग. सो द नेक्स्ट हेडिंग इज टाइप्स ऑफ लीव्स. सो टाइप्स ऑफ लीफ में सबसे पहला है सिंपल लीफ. ओके, तो सिंपल लीफ आप जानते हो कि उसका क्या होता है, वो एंटायर और इनसाइज्ड. ओके, इट मे बी एंटायर, मतलब पूरा गोल होगा, या जो हमने देखा था दूसरा वाला इनसाइज्ड, मैंने कटा कटा होगा जैसा पपीता वाला. एंड इंसिशंस डू नॉट टच द मिडरिब, तो ये आपका है सिंपल लीफ. ओके, अगर वो मिडरिब को टच कर जाएगा वो कंपाउंड लीफ हो जाएगा. एग्जांपल मैंगो, बनाना, पपाया. पपाया भी हम लोग ले सकते हैं इसमें, बनियान एंड पपाया. कंपाउंड लीफ, तो कंपाउंड लीफ क्या है? लीफ ब्लेड इज इनसाइज्ड अप टू मिडरिब और पेटियोल, thus divides it into two or more leaflets. ठीक है, तो इसीलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, that is called compound leaf. Now, अब ये दो तरह का है, तो these are of two types, palmately compound and pinnately compound. Fine? तो इसलिए हम लोग बस उसी तरफ जाएंगे या इस पेज में. So, इसलिए कंपाउंड लीफ में आपका पामेटली कंपाउंड मतलब क्या है, वो पाम जैसा दिखेगा. ओके, पाम ट्री जैसा, पाम पत्ते जैसा. ये सिंपल लीफ है, एंटायर और इनसाइज नॉट टचिंग मिडरिब. ओके, एंड दूसरा है कंपाउंड. तो कंपाउंड में क्या है, इनसाइज अप टू मिडरिब एंड पोटियोल एंड लीफलेट्स बन जाएगा. उसमें दो तरह के ब्रांच टाइप्स है हमारे पास. सो एक है आपका पामेटली कंपाउंड. सो इसमें क्या है, इट हैज नो रैचिस एंड ऑल द लीफलेट्स आर जॉइंट टू ए कॉमन पॉइंट. ओके, रैचिस का मतलब क्या है, एक टाइप ऑफ जो आपका मॉडिफाइड मिडरिब, समझ रहे हो कि नहीं. अगर आपका मिडरिब में आपके लीफलेट्स आ जाएंगे तो दैट इज कॉल्ड योर रैचिस. ओके, बट इसमें क्या है, इट हैज नो रैचिस, इसमें रैचिस नहीं है. एंड